Hit that subscribe button and bell icon so you never miss an update from Neela Bakore Tutorials. प्रीवियस वीडियो तक हमने बकल कैविटी के सारे पार्ट्स डिस्कस किए थे. पैलेट, उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं, एंटीरियर कैसा, पोस्टीरियर पार्ट कैसा, फिर टंग के बारे में बात किया, सलाइवरी ग्लैंड्स भी डिस्कस कर लिया, स्ट्रक्चर ऑफ टूथ भी डिस्कस किया. अब जो बकल कैविटी में से फूड है वो कहाँ जाएगा? सो अब जो ट्यूब पार्ट स्टार्ट हो रहा है विथ ईसोफेगस, वहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट जो पार्ट है दैट इज ईसोफेगस. अब ईसोफेगस का स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले एक क्विक रीकैप कि हम लोग किस एरिया की बात कर रहे हैं. ये यहां पर पैलेट, एंटीरियर पार्ट में रफ स्ट्रक्चर था जिसको हमने पैलेटाइन रग्स कहा था. पोस्टीरियर पार्ट में ये ऐसा फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर विच वॉज यूव्यूला. और ये यहां पर हमारा नेजल चेम्बर. बकल कैविटी के फ्लोर पर यहाँ टंग एंड जॉ के अंदर. अब जो भी फूड हम लोग खाते हैं वो जाएगा फूड पाइप के अंदर एंड जो एयर हम ब्रीद करेंगे वो जाएगी विंड पाइप के अंदर. सो नेक रीजन में दो पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स हैं. एंटीरियर वाला, एंटीरियर मतलब यहां आगे, द वन विच वी कैन फील, यहां से जो फील होता है दैट इज ट्रैकिया. ट्रैकिया और जिसको कॉमनली हम विंड पाइप बोलते हैं. और जो उसके पीछे की साइड है दैट इज ईसोफेगस. ये ईसोफेगस है. सो जो फूड हमने खाया दैट हैज टू गो into this tube और जो हम air breathe कर रहे हैं वो यहां जाएगा. That means जो passage है food का और air का वो cross करेगा. So यहां पर pharynx region में वो crossing होता है और इसीलिए हमें कहा जाता है कि आप खाते time बात नहीं करना. Because जब भी हम बात करेंगे so voice कब produce होती है? जब vocal cords vibrate करते हैं. और वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं जब हम एक्सहेल करते हैं. सो अगर हम एक्सहेल कर रहे हैं, ये जो ओपनिंग है ट्रैकिया का, इसको हम बोलते हैं एपी ग्लॉटिस. और यहाँ पर एक फ्लैप, सॉरी, इसको हम बोलते हैं ग्लॉटिस. और इसके ऊपर जो फ्लैप है उसको हम बोलते हैं एपी ग्लॉटिस. सो जब हम कोई चीज़ स्वैलो कर रहे हैं, खाना फॉर एग्जाम्पल, तो ये इधर जाना चाहिए. उस टाइम पर ये एपिग्लॉटिस क्लोज हो जाएगा, मतलब ये ओपनिंग जो है ग्लॉटिस उसके ऊपर एपिग्लॉटिस का फ्लैप आ जाएगा. अगर हम ब्रीद कर रहे हैं तो ये ओपनिंग खुला हुआ होना चाहिए, तो एपिग्लॉटिस फ्लैप ऐसा ऊपर रहेगा. अब अगर हम दो चीज़ें एक साथ कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, मतलब एक्सहेल करते टाइम वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट हो रही हैं, और स्वैलो भी कर रहे हैं, सो एपिग्लॉटिस का मूवमेंट थोड़ा सा इरेग्युलर हो जाता है. एंड जो फूड पार्टिकल है वो पूरा का पूरा ईसोफेगस में जाने के बजाय कुछ पार्टिकल्स ट्रैकिया में चले जाते हैं और उससे फिर हमें एकदम से खांसी टाइप आती है. सो इसलिए खाना खाते टाइम, स्वैलो करते टाइम बात नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये दोनों पाइप्स में जो जाएगा, एक में एयर एक में फूड, वहाँ उसका पाथ जो है वो क्रॉस करता है. अब हम इस ईसोफेगस की बात कर रहे हैं. ईसोफेगस का जो ओपनिंग है उसको हम बोलते हैं गलेट. और गलेट के ऊपर कोई फ्लैप नहीं है क्लोज करने के लिए. सो ये गलेट है. ईसोफेगस कैसा है? इट इज ए पाइप, एक ट्यूब है बेसिकली. सो ये एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है. और ये कहाँ से कहाँ जाएगा? ये फेरिंग्स के बेस से स्टार्ट होगा, अपने नेक रीजन में से, चेस्ट रीजन में से, डायफ्राम को परफोरेट करके नीचे जाएगा, मतलब इट गोज अप टू एब्डोमिनल कैविटी. डायफ्राम कैसा है? एक ऐसा डोम शेप्ड स्ट्रक्चर है. ये हमारे चेस्ट और एब्डोमेन को सेपरेट करता है. सो ईसोफेगस इसमें से जाएगा, यहाँ पर एक ओपनिंग होता है, उसके थ्रू वो ऐसा डायफ्राम के नीचे आएगा एंड देन वहाँ पर स्टमक होता है. अब ईसोफेगस का काम क्या है? ईसोफेगस का काम इज ओनली कंडक्शन ऑफ फूड. इसको जस्ट फूड को लेकर जाना है और इसका कोई रोल नहीं है. अब
पूरी एलिमेंट्री कैनाल में, मतलब ईसोफेगस से लेकर लास्ट पार्ट तक हमारी एलिमेंट्री कैनाल की चार लेयर्स होती हैं। सब में चार लेयर्स हैं, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन होगा। सो चार लेयर्स क्या हैं, मतलब यहाँ हम उसका टिश्यू पार्ट पढ़ रहे हैं, हिस्टोलॉजी पार्ट पढ़ रहे हैं। सो अगर हम इसका एक सेक्शन लेते हैं तो ये ईसोफेगस का सेक्शन है एंड अंदर वाली साइड में ये इस तरह से रहेगा। ल्यूमन बहुत छोटा सा है, सो ये पूरा इतना पार्ट जो है दिस विल बी कॉल्ड द वॉल और इसकी लेयर्स हैं। सो अब अगर अपन इसका एक सेक्शन बनाते हैं, से हम ये सिर्फ इतना सा ही पार्ट एनलार्ज कर रहे हैं। सो बाहर से स्टार्ट करते हैं। सबसे बाहर वाली जो लेयर है दैट इज फाइब्रस लेयर एंड इस लेयर को हम बोलते हैं सेरोसा। फाइब्रस लेयर है, इट इज स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए ये लेयर होती है। और फाइब्रस जब हमने बोला तो इट इज़ कोलेजन हो सकता है या इलास्टिन फाइबर्स हो सकते हैं। और उसके बाद में आती है सेकेंड लेयर जो मसल लेयर है। इस मसल लेयर को हम बोलते हैं मस्क्यूलैरिस। और इस मसल में दो टाइप की मसल्स हैं, एक इनर है, इनर साइड पर रहेगी, और एक आउटर साइड पर रहेगी। इनर जो है वो सर्कुलर मसल्स हैं और आउटर मसल्स जो हैं वो लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स हैं। अब अगर ये एलिमेंट्री कैनाल ऐसी है तो लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स ऐसी जाएंगी, अगर हम उसका सेक्शन ले रहे हैं तो हमें वो बैंड्स कटे हुए दिखेंगे। सर्कुलर मसल्स इस तरह से रहेंगी। सो अगर हम यहाँ पर वो मसल्स बनाते हैं सो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, इनर एंड आउटर। इनर मतलब ल्यूमन की साइड, इनर सर्कुलर हैं तो यहाँ पर ये हमें इस तरह से सर्कुलर दिखेंगी। और बाहर वाली साइड आउटर लॉन्जिट्यूडिनल है सो वो कट बैंड्स दिखेंगे। सो आउटर लॉन्जिट्यूडिनल रहेगी, इनर सर्कुलर रहेगी। ये हो गई हमारी सेकेंड लेयर। जो थर्ड लेयर है वो कनेक्टिव टिश्यू की है। कनेक्टिव टिश्यू में एरियोलर होगा, इसी के अंदर ब्लड वेसल्स हैं, नर्व फाइबर्स हैं, अलग अलग पार्ट में यहाँ ग्लैंड्स भी हो सकते हैं। सो दिस इज, ये हमारी थर्ड लेयर हो गई। इस थर्ड लेयर को हम कहेंगे सब म्यूकोसा एंड सबसे अंदर वाली जो लेयर है उसको हम कहेंगे म्यूकोसा। अब ईसोफेगस की लेयर बना रहे हैं म्यूकोसा। सो यहां पर कुछ सेल्स हैं, ये म्यूकोसा है और ये पूरा कनेक्टिव टिश्यू वाला सब म्यूकोसा। सो ये सिर्फ ये जो लेयर है दिस इज म्यूकोसा। ईसोफेगस में म्यूकोसा के अंदर एक स्पेशल टाइप का सेल है, थोड़ा सा लॉन्ग कॉलम लाइक सेल्स हैं और इनको हम बोलते हैं गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट सेल कैसा रहेगा, कॉलमनर सेल है एंड इसके अंदर एक ऐसा स्वोलन पार्ट है, ये सेल है और यहां से ये म्यूकस सीक्रीट करता है। सो गॉबलेट सेल्स का फंक्शन है सीक्रीशन ऑफ म्यूकस। ऑल पार्ट्स ईसोफेगस से लेकर लास्ट पार्ट तक यही चार लेयर्स रहेंगे। थोड़ा थोड़ा फर्क होगा, क्या फर्क हो सकता है, मस्क्यूलर लेयर ज्यादा मोटी या पतली हो सकती है। एक ही पार्ट है जहां मस्क्यूलर में एक और टाइप की मसल आएगी, जब हम उस पार्ट पर आएंगे तो वो वाला डिस्कस करेंगे। म्यूकोसा में चेंज हो सकता है, यहां पर सिर्फ गॉबलेट सेल्स हैं, आगे जाकर वहां ग्लैंड्स होंगे। सो ईसोफेगस में यही चार लेयर्स हैं, म्यूकोसा में गॉबलेट सेल्स हैं जो म्यूकस सीक्रेट करते हैं। और ये जो म्यूकस है ये बहुत थिक नहीं होता, स्टमक में जो म्यूकस सीक्रेट होगा वो थिक म्यूकस होता है, बिकॉज स्टमक की वॉल को उस म्यूकस ने प्रोटेक्ट करना है। किससे, एक एंजाइम जो पेप्सिनोजन है एक्टिव हो जाएगा पेप्सिन में और दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। अभी हम इसके बाद स्टमक ही लेंगे तो स्टमक में और इसमें हमें डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। यहाँ जो म्यूकस है वो सिर्फ ल्यूब्रिकेशन का काम करेगा, हमने खाना खाया च्यू किया उसको, मतलब वो फूड अब हमारा सलाइवा में मिक्स हो गया, उसको हम कहेंगे बोलस। अब वो बोलस अंदर जाएगा, अब ये अंदर कैसे जाएगा, ये जो एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर है, सो पाइप का मतलब ये नहीं कि उसमें पूरा का पूरा ऐसे कैविटी है, अगर अंदर से देखेंगे तो ये ऐसा रहेगा। सो इसके अंदर फूड कैसे जाएगा, सो फूड का जो मूवमेंट होता है ईसोफेगस में या एलिमेंट्री कैनाल में वो
पेरिस्टाल्सिस से होगा. दैट मीन्स ये जो अंदर की वॉल है ये तो ऐसी रहेगी, ल्यूमन नहीं है. अब यहां पर हमने कुछ स्वेलो किया, ये बोलस है. सो अब यहां की मसल रिलैक्स हो गई, ये यहां बोलस आ गया और यहां वाली कॉन्ट्रैक्ट हो गई. इसको हम बोलते हैं रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन. मतलब ऊपर वाला पार्ट फूड को पुश करेगा, फिर नीचे आएगा, फिर पुश करेगा, नीचे जाए, ऐसे धीरे धीरे वो फूड पुश होता है. सो मूवमेंट को हम बोलते हैं कंडक्शन ऑफ फूड बाय पेरिस्टाल्सिस. पेरिस्टाल्सिस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, ग्रेजुअल धीरे धीरे वो फूड नीचे जाएगा. सो ईसोफेगस का काम सिर्फ कंडक्शन है फूड का, कोई डाइजेशन में रोल नहीं है. और जो म्यूकस सीक्रेट होगा वो वाटरी होगा, सो दैट वो जो पैसेज है उसका लुब्रिकेशन हो सके. बाकी इसका और कोई रोल नहीं है. अब ईसोफेगस स्टमक में ओपन होगा, वही डायफ्राम के नीचे आया, यहाँ से ये ईसोफेगस ऐसा पेनिट्रेट करेगा और डायफ्राम के नीचे यहाँ पर स्टमक होगा. सो द सेकेंड पार्ट जो है दैट इज स्टमक. स्टमक कहाँ पर है? एब्डोमिनल कैविटी में है, डायफ्राम के बिल्कुल नीचे. सो अब ये ईसोफेगस है जो अब डायफ्राम के अंदर आ गया है, मतलब नीचे एब्डोमिनल कैविटी में. और अब ये ईसोफेगस ओपन होगा इनटू अ बैग लाइक स्ट्रक्चर. ये बैग लाइक स्ट्रक्चर ये स्टमक हो गया. अब स्टमक के कितने पार्ट्स हैं? एक ये बल्जिंग पार्ट दिख रहा है ऊपर वाला, इस पार्ट को हम बोलते हैं फंडस. ये वाला जो पार्ट है जहां पर ये ओपन हो रहा है इसको हम बोलते हैं कार्डियक पार्ट. और जो मेन पार्ट है दैट इज द बॉडी ऑफ स्टमक, जो मेन पार्ट होता है. और टुवर्ड्स द एंड वाला पार्ट है, यहां से अब स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाएगा. सो इस वाले पार्ट को हम कहेंगे पाइलोरिक पार्ट. सो ये ईसोफेगस यहां पर आकर कनेक्ट हुआ और यहां से अब स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाएगी. सो देर आर टू कनेक्शंस, एक है ईसोफेगस का स्टमक में और एक है स्टमक का स्मॉल इंटेस्टाइन में. दोनों जंक्शंस पर एक सर्कुलर मसल होती है. सो यहां पर भी एक सर्कुलर मसल रहेगी और यहां पर भी. और सर्कुलर मसल्स को हम स्फिंक्टर्स बोलते हैं. सो ईसोफेगस और स्टमक के बीच में इसको हम बोल सकते हैं कार्डियक स्फिंक्टर या इसको गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर भी बोल सकते हैं और गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर. गैस्ट्रिक गैस्ट्रो वर्ड हमेशा स्टमक के लिए रिलेटेड रहता है, तो गैस्ट्रो और ईसोफेगस के बीच में, सो गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर हो गया. और इस पार्ट को हमने पाइलोरिक पार्ट कहा था. सो ये जो स्फिंक्टर है इसका नाम है पाइलोरिक स्फिंक्टर. ये स्फिंक्टर्स क्या करेंगे? ये रेगुलेट करेंगे कि कितना फूड आगे जाएगा. सपोज हमने खाना खाया, स्टमक में 3-4 घंटे तक फूड रहेगा. अब ये पूरा का पूरा जो मटेरियल है वो एकदम से डाइजेस्टिव या स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जाता, धीरे धीरे करके वो रिलीज होगा. सो दैट यहाँ जो एंजाइम्स हैं वो प्रॉपरली एक्ट कर पाए, डाइजेशन हो सके. तो स्फिंक्टर एक ऐसा सर्कुलर मसल जैसा है. सो ये धीरे से ओपन होगा, कुछ फूड इंटेस्टाइन में चला जाएगा, स्फिंक्टर फिर से बंद हो जाएगा. सो दोनों जगह पर ये सर्क्यूलर मसल्स हैं. अब स्टमक में वॉल कैसी है? यही सेम 4 लेयर रहेंगी विथ वन डिफरेंस. और ये डिफरेंस सिर्फ स्टमक में मिलेगा, बाकी ये हमें कहीं नहीं मिलता. बाहर वाली लेयर अब हम इसको अपसाइड डाउन बनाते हैं या ऐसे ही बना देते हैं. ये हो गया हमारा सेरोसा, सो कंपैरिजन इजी हो जाएगा. सेरोसा ये भी फाइब्रस लेयर है. इसके बाद आएगी मस्क्यूलारिस. अब मस्क्यूलारिस में दोनों चीज़ें तो सेम है, मतलब आउटर वाली जो लेयर है वो लॉन्जिट्यूडिनल है, लॉन्जिट्यूडिनल मसल की है. इनर वाली जो लेयर थी वो सर्कुलर है. अब स्टमक में एक एक्स्ट्रा मसल की लेयर है एंड वो है ऑब्लिक. सो यहाँ पर अब ऑब्लिक मसल है. सो ये हो गया लॉन्जिट्यूडिनल मसल, फिर है सर्कुलर मसल और सबसे अंदर ऑब्लिक मसल.
अब ऑब्लिक मसल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, सिर्फ स्टमक में मिलेगा, बाकी किसी भी पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में हमें ये नहीं मिलेगा। इसके बाद वाली लेयर फिर से सेम है, दिस इज सब म्यूकोसा, इसके अंदर ब्लड वेसल, कनेक्टिव टिश्यू, नर्व फाइबर सब है। और अब आता है म्यूकोसा पार्ट, यहां पर म्यूकोसा मॉडिफाई हो जाएगा इंटू गैस्ट्रिक ग्लैंड। सो अब गैस्ट्रिक ग्लैंड कैसे बनेगा, ये म्यूकोसा है और ये अंदर इसने एक सिंपल ब्रांच्ड ट्यूब्यूलर ग्लैंड बना दिया। यहां पर ये सब सेल्स हैं, सो ये जो स्ट्रक्चर बना है ये पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर, ये पूरी जो ग्लैंड बनी है इसको हम कहेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड। स्टमक में सब जगह पर हमें ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मिलेंगे और गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो सीक्रेशन होगा उसको हम कहेंगे गैस्ट्रिक जूस, जिसके अंदर एंजाइम्स भी रहेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहेगा और भी बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। सो अब हमें ये स्ट्रक्चर डिटेल में बनाना पड़ेगा गैस्ट्रिक ग्लैंड का, बट गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट क्या करने वाला है, इट सीक्रेट्स गैस्ट्रिक जूस। सो एक एडिशनल मसल की लेयर है जो सिर्फ स्टमक में है, बाकी किसी भी पार्ट में नहीं मिलेगी और म्यूकोसा मॉडिफाई हो जाएगा इनटू अ ग्लैंड। ये ग्लैंड कैसी है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, इसको हम बोलते हैं सिंपल ब्रांच्ड ट्यूब्यूलर, ट्यूब जैसी ग्लैंड है और सिंपल ब्रांचिंग है इसके अंदर, इसलिए गैस्ट्रिक ग्लैंड को हम सिंपल ब्रांच्ड ट्यूब्यूलर ग्लैंड्स बोलते हैं। और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बहुत सारे सेल्स होंगे, उसमें से टोटल जो कंबाइंड सीक्रीशन आएगा उसको हम गैस्ट्रिक जूस कहेंगे। सो ये स्टमक का पार्ट हुआ, गैस्ट्रिक जूस कहाँ से आएगा, कौन से सेल से आएगा, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।